हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो रेल इन्फो सीरीज़ की आज के इस एपिसोड के ज़रिए आप सभी को इंडियन रेलवेज़ की तरफ से ली गई एक प्रोडिजियस यानी कि आश्चर्यजनक स्टेप के बारे में जानने को मिलेगी, जिसकी डिसीजन पिछले महीने यानी कि अक्टूबर 2020 में ली गई है। तो बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से इंडियन रेलवेज़ की कुछ पैसेंजर ट्रेन से पैंट्री कार और स्लीपर क्लास को हटाने के बारे में डिसीजन ली गई है। तो चलिए रेलवेज़ की इस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है इसके बारे में जान लेते हैं। बाकी आप सभी को बता दें कि इस एपिसोड को एंड तक देखने में इंडियन रेलवेज़ की कौन सी ट्रेन में ऐसा किया जाएगा और फ्यूचर में रेलवेज़ की एफिशिएंसी, फैसिलिटी और टिकट फेयर कैसा होने वाला है इसके बारे में भी जानने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विद एड्रेसिंग एनआरआईएम। आपको शायद पता होगा कि पिछले महीने की मंथली रेल अपडेट एपिसोड में हमने इस टॉपिक के बारे में जिक्र किए थे और आज का ये एपिसोड उसी का ही एक डिटेल एपिसोड है। तो अगर आसान भाषा में बोले तो ट्रेन में ट्रैवल करने वाली पैसेंजर को फ्रेश और गुड क्वालिटी की फूड प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन में जिस कोच को यूज़ किया जाता है उसे पैंट्री कार बोला जाता है, जिसमें उस ट्रेन की फर्स्ट क्लास से ऑर्डर की गई ज़्यादातर फूड बनती है। और दूसरी तरफ कम पैसों में स्लीपिंग अरेंजमेंट के साथ आने वाली कोच को स्लीपर क्लास बोला जाता है, जहां पर पैसेंजर बाहर की नजरें और खुली हवा को एंजॉय करते हुए ट्रेवल करते हैं। तो इन दो टाइप कोच की सर्विस डिसकंटिन्यू करने के पीछे कुछ कारण मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैंट्री कार से जुड़ी हुई। नंबर 1, इंडियन रेलवे में ऑपरेट होने वाली पैंट्री कार को किसी प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है। हालांकि ये कोच इंडियन रेलवे का ही होता है, जिसमें खाना बनाना और पैसेंजर को उसे प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस प्राइवेट कंपनी की होती है। तो इस पैंट्री कार को ऑपरेट करने के लिए रेलवेज हर 3 से 5 साल बाद टेंडर को जारी करती है और इस टेंडर को हासिल करने वाली कंपनी रेलवेज को कुछ अमाउंट पे करती है, जो ट्रेन की कैटेगरी के अनुसार 2 से 3 करोड़ रुपए की आसपास होती है। तो इसका मतलब हर 3 से 5 साल बाद रेलवेज को एक टेंडर जारी करने की मगजमारी रहती है। नंबर 2, इस पैंट्री कार को ऑपरेट करने वाली कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट की पैसे ज्यादा से ज्यादा कम समय में कमाने के लिए फूड की प्राइस बहुत बढ़ा देती है, जो MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कभी 2 या 3 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, इसके साथ साथ उस कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लो क्वालिटी और लो क्वांटिटी की फूड को प्रोवाइड करना शुरू करती है, जिसमें ना ही अच्छा टेस्ट होती है और ना ही अच्छा इंग्रेडिएंट की इस्तेमाल होती है और इसके चलते पैसेंजर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और इसीलिए रेलवे बोर्ड को हमेशा पैसेंजर की तरफ से इस फूड की क्वालिटी के बारे में कंप्लेन मिलती रहती है। नंबर 4, और एक कारण ये भी है कि इंडियन रेलवेज के अंडर में आने वाले जितनी सारी कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने पैंट्री कार की कोच प्रोडक्शन या 2018 से टोटली पोस्टपोन कर दिया है, जिसलिए रेलवेज को पुरानी कोच से अपना पैंट्री कार की सर्विस कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो ये थी कुछ रीजन जिसके चलते इंडियन रेलवेज फ्यूचर में अपना पैंट्री कार की सर्विस को पोस्टपोन करना चाहती है। अगर बात करें फ्यूचर के बारे में, तो रेलवेज पैंट्री कार के बदले एक सेपरेट पैसेंजर कोच को ऑपरेट करवा सकती है और पैसेंजर ने फूड के लिए किसी बड़े स्टेशन में IRCTC की शॉप से मिलने वाली फूड को यूज़ कर सकते हैं, जो इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी कंपनी है। और फर्स्ट क्लास की पैसेंजर को फ्यूचर में IRCTC का ही फूड मिलेगी। तो अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की सर्विस क्यों बंद किया जाएगा इसके बारे में। नंबर 1, तो इसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की मिशन राफ्तार इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग इंडिया की डायमंड क्वाड्रिलेटरल रूट में से बिजिएस्ट रूट दिल्ली हावड़ा रूट और इकोनॉमिकल यानी कि किफायती रूट दिल्ली मुंबई रूट में ट्रेन की स्पीड को मैक्सिमम 160 kmph तक इंक्रीज करना। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए ट्रेन में यूज होने वाली स्लीपर कोच सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि स्लीपर कोच के वजह से ट्रेन में एयर ड्रैग ज्यादा होती है और इसके लिए लोकोमोटिव में बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ती है। नंबर 2, स्लीपर कोच की एलिमिनेटर के रूप में इंडियन रेलवेज की एक कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी RCF यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा 3rd AC कैटेगरी की एक नया कोच की डिजाइन की गई है, जिसकी पर यूनिट मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी है 84, जो पहले 72 हुआ करती थी। और इंडियन रेलवेज इस नया कोच को अपना सर्विस में यूज करना चाहती है। नंबर 3, इस नया LHB कोच मैक्सिमम 160 to 180 kmph की स्पीड में चलने के लिए सक्षम है, जो इंडियन गवर्नमेंट की मिशन रफ्तार को पूरा करेगी। और इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जो पैसेंजर को पहले से बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी। नंबर 4, बाकी कोच की तुलना में इंडियन रेलवेज को स्लीपर कोच से बहुत ही कम पैमाने पे प्रॉफिट होती है। बाकी आप जानते ही होंगे स्लीपर कोच की टिकट फेयर अन्य कोच से बहुत ही कम होता है और रेलवेज को अपना इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रॉफिट को भी देखना होता है। अगर इसकी नतीजे के बारे में बात करें तो इन दोनों स्टेप के जरिए रेलवेज़ की प्रॉफिट तो ज़रूर इंक्रीज़ होगी, जो मिशन रफ्तार जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन भीके यादव के अकॉर्डिंग स्लीपर कोच के एलिमिनेटर के रूप में जो एसी कोच को यूज़ किया जाएगा उसकी टिकट फेयर स्लीपर क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, जो 30 से 50% तक हो सकता है। बाकी फ्यूचर में इस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे देश में, ये देखने वाली बात है। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।